हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे जिसकी चेस्ट साइज होगी 37। तो ये लाइनिंग वाला ब्लाउज होगा, तो इसकी पहले मेजरमेंट जान लेते हैं। जो ब्लाउज की जो लंबाई है वो है 14 इंच, तो तीरा है 13 इंच और चेस्ट है इसकी 37, वेस्ट है इसकी 32 और बाजू की लंबाई है 5 इंच, बॉटम है इसकी 12 इंच, आर्म होल है इसका 8.5 और गला आगे का 7.5 है, पीछे का 8.5 है। तो सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट लगाते हैं लाइनिंग पर। तो ये मेन फैब्रिक है और ये बॉर्डर है जो बाजू पे लगा, इसे मैंने निकाल लिया है और प्रेस करके अलग कर दिया है। तो इसको पहले साइड कर देंगे और पहले सबसे पहले हम लाइनिंग पर इसकी मेजरमेंट लगाएंगे। ये 1 मीटर थोड़ी कम लाइनिंग है, तो हमें उसके हिसाब से हमें चलना होगा। तो जो इसकी मेजरमेंट कैसे लगाएंगे, देखिए चेस्ट का लेते हैं 1/4, चेस्ट है हमारी 37, तो उसका 1/4 हो गया 1.25 इंच, तो उसके अंदर हम 2 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1.25। तो इसे हम 1.25 पर इसे सेट कर देंगे। ये देखिए ये हमारा 1.5 पे रख दिया क्योंकि हमारी कन्नी है, तो हम 1.5 पे इसे यहाँ पर सेट कर देंगे। अब हम इस पर निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको सीधा कर लेंगे फुटे की मदद से, जिससे जो कान है वो निकल जाए। तो ये देखिए ये हमने इसको सीधा कर लिया। अब यहाँ से हम फीता लगाएंगे, इंची टेप को यहाँ से रखेंगे और इसकी लंबाई लेंगे हम। ये हम पहले बैक का पीस निकाल रहे हैं, तो यहाँ से हम लंबाई लेंगे 14 इंच हमारी लंबाई है, तो 1 इंच बढ़ाकर हम इसमें 15 इंच पे निशान लगा देंगे और इसको हम सीधा कर देंगे। यहाँ से हम तीरे का निशान लगाएंगे, तीरा है हमारा 13 इंच, तो यहाँ से हम इसको उसका हाफ लेंगे 6.5 इंच, 13 का आधा 6.5 और इसको हम इसकी गहराई लेंगे हम मोटे की गहराई 6 इंच। अब यहीं से हम इस जगह से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, चेस्ट है हमारी 37, तो उसका 1/4 हो गया 1.25 इंच, तो पहले यहाँ से हम लगाएंगे फीते को 1.25 इंच पे निशान लगा देंगे। ये हमारा 1.25 इंच हो गया और ये हमारा मार्जिन जो ये हमारा अंदर है ब्लाउज के अंदर, कभी हमारा ब्लाउज टाइट हो जाए तो हम यहाँ से इसे खोल सकते हैं। चेस्ट है हमारी 32, उसका 1/4 हो गया 8 इंच, तो यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाया और यहीं से हम इसमें 1 इंच और ऐड करते हैं जो कि हमारी डॉट लगती है, तो इसको ऐड कर देंगे यहाँ से और ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। तो इसको हम इससे मिला देंगे, ये देखिए इसको मिला देंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे। अब हम लगाएंगे आर्म होल का निशान। तो इसकी जो हमारा बैक है, बैक की जो गहराई होती है हमारी इसकी मुंडे की गहराई 1.5 इंच होती है, तो यहाँ 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको इससे गुलाई देते हुए हम इसको टर्न कर देंगे। ये देखिए इस तरह। अब हम प्लीट का निशान लगाएंगे, प्लीट का निशान ऐसा लगाएंगे यहाँ पे 10 इंच पर, ये देखिए, और यहाँ से लेंगे हम चौड़ाई प्लीट की, यहाँ से लेंगे 3.5 इंच, तो ये हमारा डॉट का निशान आ गया। ऐसे ही 3.5 इंच नीचे लगाएंगे, ये देखिए, और इसको इससे हम मिला देंगे। ये हमारा डॉट का निशान लग गया, ये हमारा बैक पीस का हो गया। अब इसे बार बार पहले हम कटिंग करेंगे, फिर इसको पलट के हम फ्रंट निकालेंगे। फ्रेंड्स, इसमें गला हम नहीं काट रहे हैं क्योंकि गला हमें बुकरम वाला बनाना है, तो हम इसे सीधा हम कपड़े पर बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैक निकल गया, अब हमें फ्रंट निकालना है। तो थोड़ा सा हम कपड़े को आगे कर देंगे क्योंकि हुक पट्टी का हमें निशान लगाना है, 8 इंच का हुक पट्टी का हम ज़्यादा लेते हैं, तो इसको ऐसे रखेंगे। ये हमारा वन साइड है और ये हमारा ओपन साइड है, तो आगे से हमारा ओपन होगा तो हम इसको ऐसे रखेंगे 1/2 इंच नीचे वाले कपड़े को बड़ा कर रखेंगे, ऐसे देखिए, और इस पर हम ये देखिए ऐसे ऐसे हम उसमें निशान लगा देंगे। ये हमारा हुक पट्टी का निशान हो गया और ये हम आर्मर का निशान लगा लेंगे ऐसे, और इस पीस को हम यहाँ से हटा देंगे। डॉट का निशान लगाएंगे, तो यहाँ से लेंगे, ये देखिए डॉट हमारी की लंबाई होगी 10 इंच, और इस निशान से जो हमारी ये हुक पट्टी का निशान है यहाँ से हम लेंगे 3.5 इंच, ये हमारे डॉट का निशान आ गया। अब यहाँ से हम 3.5 लेंगे नीचे से और इसको इससे मिला देंगे। आधा इंच का हमने गैप देके ये हमारी डॉट का निशान हो गया, ये देखिए। अब इस जगह से हम ऐसे तिरछा ऐसे
पौने दो पे निशान लगाएंगे। निशान से हमें तिरछा निशान लगाना है ऐसे। ये हमारी साइड की डॉट हो गई। ये हमारी डॉट कुल एक पैर की होती है और ये हमारी आधा इंच की डॉट होती है। सेंटर डॉट हमारी आधा इंच की होती है। ये हमारी एक पैर की डॉट होती है। यहाँ निशान लगाएंगे और इसको हम ऐसे ले लेंगे। ये देखिए, ये हमारी हुक पट्टी की डॉट लग गई। ये हमारा बैक का आर्मोल था, तो यहाँ से हमें फ्रंट का लेना। फ्रंट का हमारा एक इंच होता है खाली, तो यहाँ से हम एक इंच पे निशान लगाएंगे इस जगह और इसकी हम फ्रंट की गहराई का निशान लगा देंगे। ये देखिए, ये हमारा बैक था और ये हमारा फ्रंट का निशान लग गया। ये हमने यहाँ से पौने दो पे निशान लगाना है और इस डॉट को हमने इस जगह से मिला देना। ये हमारी चारों डॉट लग गई। अब इस डॉट हमारी सही लगी नहीं लगी है, इसके लिए हमें क्या करना होता है, ऐसे सर्कल लगा के देखना होता है। अगर हमारा सर्कल पूरा बन जाता है तो समझ लीजिए हमारी डॉट बिल्कुल ठीक लगी है। ये देखिए, हमारा सर्कल पूरा लग गया। ये हमारा पहचान होती है कि हमारी डॉट बिल्कुल एक्यूरेट लगी है। ये देखिए, इस तरह से आप डॉट लगाएंगे तो आपकी डॉट बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी और फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। ये हमारा हो गया। गला हम इस पर नहीं बना रहे क्योंकि गला हमने कपड़े पर बनाना है, बुकरम का अलग अलग बनाना है, तो इसलिए हम इस पर गला नहीं ड्रॉ कर रहे। तो अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैक और ये फ्रंट हमारा दोनों कटिंग हुई। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो जो हमारा कपड़ा बचा है इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है। ये देखिए, ऐसे फोल्ड करेंगे एक बार, फिर एक बार दोबारा फोल्ड करेंगे इस तरह। ऐसे फोल्ड करेंगे, चार तह हुई फोल्ड होगी हमारी। दो बाजू निकाल ली हमने इसमें। अब बॉटम है हमारी 12 इंच, तो उसका हाफ हो गया 6 इंच। पहले 6 इंच का निशान लगा देंगे। लंबाई हमारी 5 है, तो हम मोल्डिंग करके हम इसे लेंगे 7 इंच पे। 1.5 इंच की हमारी मोल्डिंग हो जाएगी और आधा इंच हमारे ऊपर चला जाएगा। यहाँ से भी हम 7 पर निशान लगा के इसको हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने सीधा कर लिया। अब यहाँ से हम 3 इंच नीचे आएंगे और इसको हम सीधा निशान लगा देंगे ऐसे। यहाँ से निशान लगा देंगे। अब हम लेंगे इसकी आर्मोल की यहाँ से शेप। तो आर्मोल है हमारा 8.5, तो यहाँ से हम ऐसा करके 8.5 पर यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। ये हमारा आ गया और इसको हम यहाँ से मिला देंगे और ये हमारा बॉटम हो जाएगा। और इस जगह से हम इसको ऐसे आर्मोल की शेप दे देंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा कपड़ा अलग से ऐड कर देंगे मार्जिन के लिए और ये हमारी बाजू निकल जाएगी। अब जो ये कपड़ा है इसमें से जो ये तिकोना पीस है इसमें काट देंगे ऐसे। ये देखिए ऐसे, ये देखिए इसको ऐसे रखेंगे इसके ऊपर ऐसे और यहाँ से हम इसको ऐसे शेप दे देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे लगाएंगे इसको हम, यहाँ पे जोड़ लगा देंगे और ये देखिए हमारी बाजू लग जाएंगी। अब इसको हम साइड कर देंगे। अब हम मेन फैब्रिक ले लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मेन फैब्रिक है। इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है ऐसे। देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे हम इसको। साइड से हम बाजू का कपड़ा छोड़ देंगे। ये देखिए, ये हमारा बाजू यहाँ से निकल जाएंगी, तो इतना हमें कपड़ा छोड़ देना है और इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है। ये देखिए, ये हमारा फोल्ड साइड है, ये हमारा ओपन साइड है। तो यहाँ पे हम फ्रंट और बैक रखेंगे। सबसे पहले हम बैक रखेंगे, फोल्ड साइड है तो यहाँ बैक रख देंगे। देखिए यहाँ से ऐसे ये हमने बैक रख दी। अब ये फ्रंट है, फ्रंट को हम ऐसे रखेंगे। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट हो गया। ये देखिए ऐसे पहले निशान लगा देंगे ऐसे। अब इस दोनों पीस को हटा देंगे ऐसे और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे फ्रंट कट गया। आगे से देखिए ये खुला है और ये हमारा बैक, ये देखिए फोल्ड साइड है, ये हमारा बैक कट गया। अब जो ये बाजू है यहाँ से हम निकालेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। इसमें भी हमारा थोड़ा सा जोड़ आएगा क्योंकि कपड़ा थोड़ा कम होता है इसमें, तो इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको इस पर रख के पहले हम काट लेंगे। ये देखिए, यहाँ से हम इसको पहले कट काट के, ये देखिए ऐसे रखेंगे हम इसको। इसको ऐसे चढ़ाएंगे इसके ऊपर ऐसे और फिर इसको ऐसे रखेंगे। ये देखिए ऐसे, इसको भी ऐसे रख देंगे। ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे रख के हम इसकी यहाँ से कटिंग कर देंगे।
ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा फ्रंट, ये हमारा बैक और ये हमारी लाइनिंग, ये हमारी बाजू। इस तरह हमारे सिंपल ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट होती है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जो बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।